फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग पासबुक की पेपर सेटिंग अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप में कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैंने बताया फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पेपर साइज सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है कंट्रोल पैनल पर और उसके बाद ओपन करना है डिवाइजर एंड प्रिंटर, जहाँ पर हमारे सारे प्रिंटर शो हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो पासबुक प्रिंटर है उस पर राइट क्लिक करके प्रिंटर प्रॉपर्टीज को ओपन कर लीजिए। फिर जाना है डिवाइस सेटिंग्स में। यहाँ पर फ्रेंड्स तीनों तरीके के आपको पासबुक सेटिंग सेलेक्ट करने, यहाँ पर तीन ऑप्शन होते हैं फ्रेंड्स। मैं अपनी पासबुक के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ और आपकी जो सेटिंग होगी वो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर शो करने लगेगी। इसके बाद जाना है फ्रेंड्स जनरल टैब में। जनरल टैब में जाने के बाद फ्रेंड्स जाना है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस में। एडवांस में भी फ्रेंड्स हमें वही सेटिंग सेलेक्ट करनी है जो आपने डिवाइस सेटिंग्स में सेलेक्ट की थी। इसके बाद ओके और अप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको पासबुक का नेम चेंज भी करना है तो आप इस प्रिंटर पर राइट क्लिक करके यहां पर आप नेम चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से पेपर साइज सेटिंग को चेंज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस मिलती रहेंगी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।